सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और सुपर फास्ट 100 में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में 1.5 करोड़ बच्चे भूखे रह गए। बिहार के 70,000 स्कूलों में आज भी खाना नहीं बना। दरअसल शिक्षकों ने खाना बनाने से इनकार कर दिया है। बिहार में प्राइमरी टीचरों ने मिड डे मील प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया है। मिड डे मील को लेकर नियमों में बदलाव से ये टीचर नाराज हैं। ये लोग 31 जुलाई को पटना में धरना भी देंगे। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने शिक्षकों से अपील की है कि वो मिड डे मील योजना में सहयोग करें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। छपरा मिड डे मील कांड में गिरफ्तार प्रिंसिपल मीना कुमारी का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। एसपी ने मुख्य आरोपी मीना के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए छपरा कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। छपरा के धर्मासती स्कूल की प्रिंसिपल मीना कुमारी अभी 10 दिन की न्यायिक हिरासत में है। मीना को कल कोर्ट में पेश किया गया था। मीना को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। आज से बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। इस मॉनसून सत्र के बेहद हंगामेदार रहने की आशंका है। छपरा में डिमील कांड में हुई 23 बच्चों की मौत, बोधगया मंदिर में सीरियल ब्लास्ट समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। जेडीयू से नाता टूटने के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से विश्वासघात यात्रा की शुरुआत की। गुरुवार को बीजेपी ने बिहार शरीफ में जनसभा कर नीतीश और जेडीयू पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर सुशील मोदी, शहनवाज हुसैन, गिरिराज सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। नालंदा की सभा में बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने नीतीश कुमार के उस दावे की खिल्ली उड़ाई है जिसमें नीतीश बिहार के विकास की बात करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने जयपुर में कहा है कि बिहार और यूपी 30 साल पहले जहां थे वहीं हैं, जबकि पिछले 35 सालों में दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान ने हर साल तरक्की की है। मिड डे मील का कहर अब दिल्ली भी पहुंच गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में मिड डे मील खाने से 5 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। नगर निगम ने मामले की जांच के आदेश देते हुए 3 दिन में रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली में फूड सिक्योरिटी बिल को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। शीला दीक्षित आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगी कि राज्य में योजना को कैसे लागू किया जाएगा। महंगाई के इस दौर में दिल्ली वालों को एक और झटका लगने वाला है। दिल्ली में बिजली के दरों में 5 से 7% तक का इजाफा हो सकता है। सीआरसी कीमतों को बढ़ाने की तैयारी में है। आज करगिल विजय दिवस है। 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने करगिल पर फिर से तिरंगा लहराया था। करगिल युद्ध में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए थे। देश के बहादुर जवानों ने करीब 3,000 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर इस इलाके को खाली कराया था। कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लड़ी गई जंग में शामिल है। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री एके एंटनी और तीनों सेना के प्रमुख इंडिया गेट जाकर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं तेलंगाना मामले को लेकर आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के साथ आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी नेता मुलाकात करेंगे। रॉयल सीमा और कोस्टल आंध्रा से आने वाले मंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम, आंध्र प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अपनी अपनी बात प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के सामने रखेंगे। बीजेपी नेता चंद्र मित्रा की अमर्त्य सेन ने भारत रत्न सम्मान लौटाने की मांग को उद्धव ठाकरे ने गलत बताया है। उद्धव ने सामना में लिखा है कि बीजेपी नेताओं को ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि अमर्त्य सेन ने मोदी की पीएम पद की दावेदारी का विरोध किया था। मोदी के खिलाफ बयान देने वाले भारत रत्न अमर्त्य सेन को लेकर बीजेपी सांसद चंदन मित्रा ने ट्वीट किया था कि वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। अगर केंद्र में एनडीए की सरकार बने तो उसे अमर्त्य सेन से भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। चंदन मित्रा के बयान से आहत अमर्त्य सेन ने भारत रत्न वापस करने की पेशकश की है, बशर्ते पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा कहें। चंदन मित्रा की ट्वीट पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने इसे एक फांसीवाद का नमूना बताया। नरेंद्र मोदी का वीजा बैन बरकरार रखने के लिए ओबामा को चिट्ठी लिखने वाले राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया गया है। मोदी की समर्थक माने जाने वाली हिंदू सेना के कार्यकर्ता आज अदीब के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीजा बैन जारी रखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को भारतीय सांसदों की ओर से भेजी गई चिट्ठी की जांच होगी। खबर है कि लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 65 सांसदों के दस्तखत वाली एक चिट्ठी ओबामा को फैक्स की गई थी। अमेरिका के नरम रवैये को देखते हुए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अमरीकी वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिकागो में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मोदी के अमरीका जाने की उम्मीद है।
इस वीजा विवाद पर अमेरिका की ओर से पहले ही बयान आ चुका है। अमेरिका कह चुका है कि अगर मोदी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आवेदन पर विचार किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण नेहरू का अंतिम संस्कार आज दोपहर दिल्ली के लोधी शमशान घाट में होगा। नेहरू का निधन गुरुवार देर रात तकरीबन 11:15 बजे गुड़गांव के एक अस्पताल में हो गया था। 69 साल के नेहरू लंबे वक्त से बीमार थे। अरुण नेहरू राजीव गांधी की सरकार में ताकतवर मंत्री थे। अरुण नेहरू 1980 के दशक में सियासत में कदम रखने से पहले एक सफल कारोबारी थे। जब 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो अरुण नेहरू उनके करीबी सलाहकार थे। वो सरकार में आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भी बने, हालांकि बाद में वो राजीव गांधी से अलग हो गए। अरुण नेहरू देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के ममेरे भाई भी थे। 1989 में उन्होंने जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। पूर्व मिस वर्ल्ड युक्ता मुखी के पति प्रिंस टूली की अग्रिम जमानत पर आज फैसला आना है। युक्ता मुखी ने 3 जुलाई को अंबोली पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था। फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी ने एक दूसरे निर्देशक फिरोज नाडियाडवाला पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। राजकुमार संतोषी ने मुंबई के जुहू थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। मुंबई से सटे ठाणे के सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से ही मरीज की जान गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बार फिर तेज आग का कहर देखने को मिला। गाजियाबाद के विजयनगर में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने एक महिला पर एसिड फेंका, जिसमें महिला बुरी तरह से झुलस गई। बताया जा रहा है कि वो ऑफिस के लिए घर से निकली थी। एसिड अटैक के बढ़ते मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसिड का गैर कानूनी कारोबार गैर जमानती अपराध होगा। गैर कानूनी तरीके से एसिड बेचने वालों के लिए खिलाफ पॉइजन एक्ट लगेगा और 50,000 रूपये जुर्माना देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश को 3 महीने के अंदर लागू करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसडीएम की मंजूरी से थोक भाव में एसिड की खरीद हो सकेगी। यूपी के आजमगढ़ में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सुप्पू की हत्या के विरोध में अनशन पर बैठे परिजनों ने धरना खत्म कर दिया है। सुप्पू के परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। थाने पर दिए गए बयान के बाद बवाल मचने के बाद रशीद मसूद की सफाई से नया बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने कहा है कि मिलने को तो 1 रुपये में भी खाना मिल सकता है। क्या इस समय वर्तमान स्थितियों में 5 रुपये में भोजन संभव है? भोजन तो 1 रुपये में भी संभव है। क्वालिटी के सवाल है, भोजन का तो मतलब ये नहीं। एक रोटी और मतलब 2 रुपये की रोटी और 3 रुपये का सलाद, एक रोटी खा लो मिल जाए। कल रशीद मसूद ने कहा था कि दिल्ली में सिर्फ 5 रुपये में गरीब का पेट भर सकता है और आज तो उन्होंने इंतहा ही पार कर दी। सिर्फ 1 रुपये में गरीब को भोजन मिल जाएगा, ये दावा कर दिया। 5 रुपये में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। कैसे खा सकते हैं सिर्फ 5 रुपये में? दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपये दिल्ली में मिलता है। आप खाएंगे वाला खाना मस्जिद में मिलता है? आप खाएंगे वाला खाना 5 रुपये मेरे खाने का? तो मैं तो 5 रुपये से भी कम का खाना खाता हूँ। रशीद मसूद ने 5 रुपये में पेट भर जाने की बात कही तो कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर ने कहा कि 12 रुपये में पूरी थाली आ जाती है। राज बब्बर ने कहा कि मुंबई में 12 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाता है। गरीब और गरीबी के नए सरकारी आंकड़ों पर बीजेपी ने कहा है कि सरकार सिर्फ कागज पर ही गरीबी कम कर रही है। गरीबी के आंकड़ों पर मचे बवाल पर कांग्रेस ने हैरानी जताई है। मनीष तिवारी ने इस विवाद को गैर वाजिब बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने गरीबी के नए आंकड़ों को लेकर बीजेपी के सवाल उठाने पर उसे एनडीए शासन के आंकड़ों की याद दिला दी। समाजवादी पार्टी ने भी गरीबी के नए आंकड़ों पर विरोध दर्ज कराया है। समाजवादी पार्टी मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को संसद में उठाएगी। बाटला हाउस एनकाउंटर में साकेत कोर्ट ने आरोपी शहजाद को हत्या का दोषी करार दिया है। इस फैसले के बाद यह साबित हो गया है कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी नहीं बल्कि असली था। सोमवार को कोर्ट में शहजाद की सजा का ऐलान होगा। शहजाद को अन्य धाराओं के अलावा 302 के तहत भी दोषी पाया गया है। ऐसे में उसे अधिकतम फांसी और कम से कम उम्र कैद की सजा हो सकती है। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी शहजाद को दोषी करार दिए जाने के बाद भी कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह बाटला हाउस एनकाउंटर पर दिए अपने पूर्व बयान पर कायम है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रथ यात्रा रतलाम पहुंची, जहां शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। यात्रा के दौरान उमड़ी भीड़ से शिवराज बेहद खुश दिखाई दिए।
गुरुवार को राहुल गांधी ने अमेठी में सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान राहुल ने सीआरपीएफ जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवाओं में बहुत गुस्सा है, इसे कम करने की जरूरत है। पंजाब सरकार चंडीगढ़ के पास एक नए शहर बसाने की तैयारी में है। नए शहर का नाम न्यू चंडीगढ़ होगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाढ़ के पानी की वजह से दर्जनों गांवों का रास्ता बंद हो गया है। आलम यह है कि मरीजों को चारपाई पर अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। बाढ़ से छत्तीसगढ़ के लोग भी परेशान हैं। राजनांदगांव जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अंबागढ़ चौकी के मारी में लोग पानी के नहीं निकलने से परेशान हो रहे हैं। मथुरा में लगातार हो रही बारिश से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरे होने की वजह से श्रद्धालु द्वारिकाधीश के दर्शन के बिना ही लौट रहे हैं। यूपी के बस्ती में भी बाढ़ से लोग बेहाल हैं। यहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही घाघरा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 50 से अधिक गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते मेरठ में गंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते खादर इलाके के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। फैजाबाद में सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई गांव में बाढ़ का संकट देखा जा रहा है। फसलें तबाह होने के बाद लोग पलायन कर रहे हैं। प्रशासन ने हालांकि हाई अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश के चलते नदियों में आए उफान के बाद बिहार के बगहा टाइगर रिजर्व में पानी घुस गया है। जमीन के कटाव के चलते टाइगर रिजर्व के जानवरों पर खतरा मंडराने लगा है। उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने देहरादून में प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट जेएस डनरियाल और सहायक इंजीनियर अभिरंजन को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। यूपी के प्रतापगढ़ में समाज का अमानवीय चेहरा सामने आया है। मानधाता ब्लॉक में एक गांव में एड्स पीड़ित माता पिता की मौत के बाद अनाथ हुए बच्चों से परिवार वालों ने किनारा कर लिया है। अपनों से ठुकराए जाने के बाद ये बच्चे अब दूसरों के सहारे जी रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने कलयुगी बेटे के सितम के शिकार एक पिता को छुड़ाया। 55 साल के गुरदेव सिंह को उसके बेटे और बहू ने 6 दिनों से घर में कैद कर रखा था। गुरदेव सिंह शराब के आदी थे और इसी वजह से बेटे ने उन्हें घर में बंद कर दिया था। टाटा स्टील के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के पूर्व चीफ चारुदत्ता देशपांडे की मौत की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जमशेदपुर पहुंची। क्राइम ब्रांच ने कंपनी के जनरल ऑफिस से लेकर गेस्ट हाउस और कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के ऑफिस में जाकर जानकारी हासिल की। ऑफिस की वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें भी ली गई। रायपुर में एक डॉक्टर को मरीज से छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन का है। महिला का आरोप है कि चेक करने के बहाने डॉक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकत की। मोबाइल पर लड़की की आवाज निकालना और लड़की के कपड़े पहनकर मजाक करना एक युवक पर भारी पड़ गया। मामला हरियाणा के मेवात जिले का है। इस मजाक की वजह से चली गोली में एक 25 साल के युवक की जान चली गई। मृतक के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 7 लोगों को नामजद बनाया गया है। हरियाणा की भिवानी में एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसे उसकी पत्नी ने जलाकर मारने की कोशिश की है। 80% तक झलस चुके 4 बच्चों के पिता के आरोपों को पत्नी ने गलत करार दिया। बिहार के रोहतास कोर्ट का भगोड़ा शख्स झारखंड में थानेदार बना हुआ है। जामताड़ा के कुंडहित थाने में तैनात दरोगा कन्हाई राम के खिलाफ बिहार के रोहतास कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। आगामी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सबसे बड़ी लैपटॉप योजना को दीमक लग गया है। गोदाम में 8000 से ज्यादा लैपटॉप को दीमक चाट रहे हैं, लेकिन सीएम के पास इन्हें छात्रों को बांटने तक की फुर्सत नहीं है। यूपी के लखीमपुर खीरी में इंटर के छात्रों को बांटे जाने वाले लैपटॉप बारिश के शिकार हो गए हैं। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कुल 1117 लैपटॉप भीग गए हैं। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में रेत से भरा ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। ट्रक का ड्राइवर फरार है। हेल्पर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के ओखला इलाके में भी एक बेकाबू ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। हादसे में घायल ट्रक ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के हापुड़ में एक एसपी नेता और उसके 3 साथियों ने एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया। एसपी नेता ने छात्रा को दाखिला दिलाने के बहाने नशीला पदार्थ खिलाकर इस वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद के कविनगर में तेजाब से भरे कैप्सूल और कैंटर की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों शख्स कैंटर के ड्राइवर और क्लीनर थे। कानपुर के नवाबगंज में पहले लड़की के साथ छेड़खानी की गई और बाद में मारपीट की गई। जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई तो आरोपी लड़के ने लड़की के घर वालों को भी पीट दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ और ब्लू फिल्म दिखाने के मामले में पुलिस ने घर के नौकरों को ही गिरफ्तार किया है।
धनबाद में एक डॉक्टर ने इलाज कराने आई युवती के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत करने की कोशिश की। लड़की के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने डॉक्टर की जमकर धुनाई कर दी। हरियाणा के पलवल में एक नाबालिग लड़की से रेप हुआ है। आरोपी पड़ोस का ही एक लड़का है। मामला भिड़ूकी गांव का है। 14 साल की इस लड़की को रास्ते से जबरन उठा लिया गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के दफ्तर पर कब्जे और वर्चस्व के लिए कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। जब इनकी लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई तो उन्हें काबू में लाने के लिए पुलिस वालों ने इन पर लाठीचार्ज किया। राजस्थान के भरतपुर में एक मकान की नींव खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने की वजह से 8 मजदूरों की मौत हो गई। मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आगरा में डीएम ऑफिस और एसएसपी ऑफिस के सामने एक शख्स टावर पर चढ़ गया। शख्स की बहन के साथ कुछ दबंगों ने रेप की कोशिश की थी। पुलिस ने कार्रवाई नहीं करने पर की वजह से पीड़ित युवक टावर पर चढ़ गया। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ने ऑस्ट्रेलिया में एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। नवंबर में होने वाले आम चुनाव में ये पार्टी हिस्सा लेगी। पार्टी ने जिन 7 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है उनमें 2 भारतीय मूल के हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग की गोपनीय सूचनाएं लीक करने वाले एडवर्ड स्नोडन को अभी तक किसी मुल्क ने राजनीतिक शरण नहीं दी है। स्नोडन मॉस्को एयरपोर्ट के ट्रांसिट एरिया में फंसे हुए हैं और उन्हें रूस की तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।